बंधुगण देखंतु केमिति अछंति प्रायत समस्त बहुत ही भल थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कहि पवित्र पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्षर अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। यही वीडियो रे आम मैंने प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर रो जो कंपलसरी सब्जेक्ट अटे एईसीसी टू जो रही तार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन गुड़िक रही आम मैंने स्टार्ट करवा। तो पेन और कॉपी को यूज करने जमार भूल ना बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे। आम सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाइबापी चाहते तेल टेलीग्राम चैनल जॉइन हो वीडियो तलपटे लिंक मिल जाव। तो डेरी न करके आरंभ करवा। क्वेश्चन नंबर वन आमको पचारि एग्जाम पैटर्न जदि कह जमी जेनेल इलेक्टिव एग्जाम पैटर्न केमती रही जीपीएस टू हो गला जीपीएस वन हो गला जमी एग्जाम पैटर्न रही वन मार्क टू मार्क तीन मार्क टेन मार्क एमती एग्जाम पैटर्न रही है ठीक अच्छे। तो एईसीसी टू एग्जाम पैटर्न तो क्वेश्चन नंबर वन पचारि आ मन रखे ओडिया क्वेश्चन आसो ना इंग्लीश क्वेश्चन आसो इंग्लीश लिखापी पड़ो ठीक अच्छे। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर कहा को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाए थे फादर ऑफ कंप्यूटर भाव में किए जनाशुना बोली पचारि कंप्यूटर पिता भाव में किए जनाशुना जदि क्वेश्चन दि जाए एमती तेल सठिक उत्तर कौन कर चार्ल्स बाबेज कर कौन कर चार्ल्स बाबेज ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन पचारि हु व्हाय एंड व्हेन कम अप विथ द डिजाइन फॉर द फास्ट कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंट इंजिन बोली पचारि किए कहीं केवे डिफरेंस इंजिन नामक प्रथम कंप्यूटर पर डिजाइन करते पचारि किए कर चार्ल्स बाबेज करते कहीं करें आम देखा आवे करते पचारि व्हेन केवे करते 1822 करते ठीक अच्छे। तो यार उत्तर कौन है किए करते चार्ल्स बाबेज ठीक अच्छे द ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बाबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। थर्ड टू तो कंप्यूटर पिता ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स बाबेज भाई बाबेज वांटेड टू बिल्ड ए मशीन दैट कुड परफॉर्म एक्यूरेट कैलकुलेशन क्विकली क्विकली माने बहुत ही शीघ्र ठीक अच्छे क्विकली माने शीघ्र क्विकली टू अवॉइड एरर्स इन नेविगेशन एंड इंजीनियरिंग। तो बाबेज गोटे मशीन तैयारी करने को चाहूँ जहाँ नेविगेशन एवं इंजीनियरिंग त्रुटि बा एरर एवॉइड पाई एरर एवॉइड पाई शीघ्र सठिक गणना कर ठीक अच्छे। एरर एवॉइड जो होता सीटा बहुत ही जल्दी क्विकली बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर गणना करा किए तैयारी करते मशीन को बाबेज तैयारी करते चार्ल्स बाबेज करते ठीक अच्छे। दिस इज व्हेन ही कम अप विथ द डिजाइन फॉर द फास्ट कंप्यूटर कॉल्ड द डिफरेंस इंजिन इन 1882। तो सेते बेले चार्ल्स बाबेज 1822 मसीह डिफरेंस इंजिन नामक प्रथम कंप्यूटर पर डिजाइन तैयारी करते आनी थे ठीक अच्छे। तो केवे आनी 1822 मसीह कौथिपाई आनी थे यहाँ कहीं एरर जो होता जो भूल बाल होता एरर को हटेबापी एवॉइड करवाई केमती क्विकली मैंने शीघ्र कैलकुलेशन कर बहुत ही जल्दी गणना कर मशीन को तैयारी करते चार्ल्स बाबेज ठीक अच्छे। परवर्ती क्वेश्चन आमको पचारि व्हाट इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोली क्या कहुई सीपीयू को कहुई क्या कहुए सीपीयू सीपीयू फुल फॉर्म कौन पचारिद उत्तर कौन कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। परवर्ती क्वेश्चन पचारि स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस इटा ट्रू कि फॉल्स इटा ठीक अटे कि भूल अटे पचारि स्कैनर इज एन आउटपुट डिवाइस स्कैनर डाटा को आम जिते दे थोले स्कैनर को आम इनपुट स्कैनर गोटे इनपुट डिवाइस अटे आम मैंने इनपुट दे थापर से स्कैन करें डाटा को आम इनपुट कर तेरे तो से स्कैन कर स्कानिंग कर सारापर से जहाँ बाहर ताको आम कौन कह आउटपुट बोली कही था। तो स्कैनर गोटे आउटपुट डिवाइस नुहे यहाँ फॉल्स कह देव कौन कर सठिक उत्तर कौन फॉल्स स्कैनर आम डाटा को देले स्कैन करें स्कैनर कौन करें स्कैन करें
तो स्कानर हूँ गोटे इनपुट डिवाइस अटे। ठीक अच्छे स्कानर इज कनसीडर्ड इटा को लिखि रख स्कानर इज कनसीडर्ड एन इनपुट डिवाइस रेदर देन एन आउटपुट डिवाइस सिंस द फ्लो ऑफ डाटा इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंप्यूटर दिस इज टेकिंग प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द डाटा बीइंग एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। ठीक अच्छे तो डाटा जीवा सब बेले कंप्यूटर दिगरे थिबारु स्कैनर को गोटे इनपुट डिवाइस भाव में विवेचना करा जाए। ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर आ कंप्यूटर रे डाटा गलापुर यह कौन कर स्कैनर स्कैन करी थाए स्कैनर स्कैन करी थाए तो स्कैनर हूँ गोटे इनपुट डिवाइस डाटा जीवा सब बेले डाटा कौथे जाए कंप्यूटर जाए कंप्यूटर रे गलापुर स्कैनर को गोटे इनपुट डिवाइस बोली कह गोटे डाटा कंप्यूटर भितर को जीव। ठीक अच्छे कंप्यूटर भितर को जीव आम मैंने डाटा दे कंप्यूटर भितर को जीव तो से डाटा को डाटा कंप्यूटर भितर को प्रवेश कले आम इनपुट डिवाइस बोली कह जो डाटा को आम दे कंप्यूटर को आम इनपुट डिवाइस कही था। ठीक अच्छे तो से इनपुट डिवाइस कौन कर डाटा को स्कैनर कौन कहते स्कैन कर स्कैन करी थे आ कंप्यूटर रु जहाँ बाहर ताको आम आउटपुट डिवाइस बोली कह कंप्यूटर को आम मैंने जहाँ दे था इनपुट डिवाइस बोली कही था। ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तो परवर्ती क्वेश्चन पचार डैश एलाउज द यूजर टू टाइप एड ग्राफिक्स एंड सेव एज एज वेल एज एडिट एनी डॉक्यूमेंट्स बोली पचार सठिक उत्तर कह डैश एलाउज द यूजर टू टाइप एड ग्राफिक्स एंड सेव एज वेल एज एडिट एनी डॉक्यूमेंट्स बोली पचार तो कौथेरे कही था यूजर टाइप कही था एड कही था ग्राफिक्स सेव तापर एडिट डॉक्यूमेंट को करी था कौथेरे वर्ड प्रोसेसर कर कौन कर सठिक उत्तर हो वर्ड प्रोसेसर। ठीक अच्छे मन रख बहुत ही इम्पोर्टेंट अटे क्वेश्चन कौन पचार डैश यूजर को टाइप करने को ग्राफिक्स जोड़ा को ठीक अच्छे ग्राफिक्स को एड करने को आउ सेव करने सहित जेकोसी डॉक्यूमेंट एडिट करने को अनुमति दे था कौन अनुमति दे था यूजर को जी भी व्यवहार करुच्चे कंप्यूटर ताको टाइप करने को ग्राफिक्स एड करने को तापर जेकोसी डॉक्यूमेंट सेव करने सहित जेकोसी डॉक्यूमेंट एडिट करने को अनुमति दे था कौन अनुमति दे था वर्ड प्रोसेसर कर। ठीक अच्छे वर्ड प्रोसेसर एलाउज इटा एलाउ करी थे एलाउ द यूजर टू टाइप एट ग्राफिक्स एंड सेव एज वेल एज एडिट एनी डॉक्यूमेंट्स करदेव। परवर्ती क्वेश्चन पचार व्हिच ऑप्शन इज एमएस वर्ड इज यूज टू ब्रेक एंड ब्रेक द करेन्ट पेज इन टू मल्टीपुल सेक्शन बोली पचार। ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन पचार वर्तमान पेज को करेन्ट पेज को मल्टीपुल सेक्शन पाई एमएस वर्ड क्यों ऑप्शन व्यवहृत होता है बोली पचार मल्टीपल एक्शन बोली पचार तो जदि आमको एमती क्वेश्चन दिया दिजाव तेल सठिक उत्तर कौन कर वर्तमान पेज को करेन्ट पेज को वर्तमान आम मैंने जो पेज रे अच्छु से पेज को मल्टीपल सेक्शन पाई एमएस वर्ड क्यों ऑप्शन व्यवहृत होता है बोली पचार क्यों ऑप्शन व्हिच ऑप्शन बोली पचार प्रथम कौन जीव प्रथम जीवाप पड़ो लेआउट ऑप्शन को जीवाप पड़ो लेआउट तापर ब्रेक ब्रेक्स बोली ऑप्शन थी तो से क्लिक करने पड़ी था तो कौन कर गो टू लेआउट तापर ब्रेक्स करदेव सठिक उत्तर। परवर्त क्वेश्चन पचार हाउ मेनी ऑप्शंस ऑफ सेक्शन ब्रेक डोज एम एस वर्ड हैव बोली पचार। ठीक अच्छे तो एम एस वर्ड सेक्शन ब्रेक्स रेते ऑप्शन अच्छी बोली पचार एमएस वर्ड र आमको कौन पचार एम एस वर्ड सेक्शन ब्रेक्स रेते ऑप्शन अच्छी बोली पचार हाउ मेनी ऑप्शन ऑफ सेक्शन ब्रेक डज एम एस वर्ड है कतोटी रही चारोटी रही फोर टाइप्स रही तो सी फोर टाइप कौन कौन रही नेक्स्ट पेज देयर आर फोर टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक्स इन एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रथम रही नेक्स्ट पेज रही कंटिन्यूअस रही इवेंट पेज रही ऑड पेज रही। ठीक अच्छे बहुत ही इम्पोर्टेंट मन रख
प्रथम कौटि जीप पड़ी थे प्रथम लेआउट जीप पड़ी थे तापर ब्रेक ये ब्रेक्स ऑप्शन रे कौन कौन रही है ब्रेक्स ऑप्शन को जिते बिल जीव ता तल पटे रही सेक्शन ब्रेक्स बोली गोटे रही है ठीक अच्छे सेक्शन ब्रेक रही है कौन कौन रही है रही चारि प्रकार सेक्शन रही तो कौन कौन नेक्स्ट पेज रही कंटिन्यूस रही इवेंट पेज तापर ऑड पेज रही परवर्ती क्वेश्चन पचार व्हिच मेनू टैब्स आर पेज सेटअप ऑप्शंस यूजुअली अवेलेबल इन एमएस वर्ड बोली पचार तो क्यों मेनू टैब गुड़िक साधारण तो एमएस वर्ड रे पेज सेटअप ऑप्शन गुड़िक उपलब्ध बोली पचार क्यों मेनू टैब रे तो सठिक उत्तर कौन कर पेज लेआउट टैब कर सठिक उत्तर कौन कर पेज लेआउट टैब हो सठिक उत्तर परवर्ती क्वेश्चन पचार डैश इज ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज इन वर्क एंड स्कूल एनवायरनमेंट बोली पचार तो डैश विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट तैयारी करिया पाई गोटे वर्ड प्रोसेसिंग टूल जहाँ कार्य एवं विद्यालय परिवेश व्यवहृत हुए बोली पचार डैश विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट्स तैयारी करिया पाई गोटे वर्ड प्रोसेसिंग टूल जहाँ कार्य एवं विद्यालय परिवेश व्यवहृत हुए बोली पचार कोटा को व्यवहार करा जाए थे विद्यालय स्कूल मानक जदि एम क्वेश्चन दिया जाए सठिक उत्तर कौन कर एम एस वर्ड को व्यवहार करा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर कौन कर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बा एम एस वर्ड हो विभिन्न प्रकार डॉक्यूमेंट्स तैयारी करने गोटे वर्ड प्रोसेसिंग गोटे ठीक अच्छे तो कौन लिख माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग टूल फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज इन वर्क एंड स्कूल एनवायरनमेंट परवर्ती क्वेश्चन पचार व्हाट डज ईएनआईएसी रो फुल फॉर्म कौन पचार ईएनआईएसी रो फुल फॉर्म कौन पचार तो कौन हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कौन हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर परवर्ती क्वेश्चन पचार राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टेक्स्ट अलाइनमेंट बोली पचार टेक्स्ट अलाइनमेंट शॉर्ट नोट लिखापी क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे बहुत ही सुंदर तो टेक्स्ट अलाइनमेंट इज ए पाराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट दैट डिटरमाइंस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए होल पाराग्राफ फॉर एग्जाम्पल इन ए पाराग्राफ दैट इज लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट इज अलाइंड विथ द लेफ्ट मार्जिन तो यार अर्थ जो कह टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गोटे पाराग्राफ फॉर्मेटिंग गोटे पाराग्राफ फॉर्मेटिंग आट्रिट्यूब जहाँ पूरा पाराग्राफ रे टेक्स्ट रो रूप निर्णय करें उदाहरण जदि आम देखा उदाहरण कौन कौन देजाम्पल दे गोटे पाराग्राफ रे गोटे पाराग्राफ रे जहाँ बाम अलाइन हो टेक्स्ट बाम मार्जिन सहित सामान लेफ्ट अलाइंड टेक्स्ट मार्जिन हो गला तब टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन हो गला युड़िक हूँ यार उदाहरण ठीक अच्छे तो अलाइनमेंट कहले कौन आमको पचार टेक्स्ट अलाइनमेंट तो टेक्स्ट अलाइनमेंट इज ए पाराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट दैट डिटरमाइंस द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए होल पाराग्राफ कर टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गोटे पाराग्राफ फॉर्मेटिंग एट्रीट्यूब जहाँ पूरा पाराग्राफ रे टेक्स्ट रो रूप निर्णय करें ठीक अच्छे लेफ्ट अलाइन पाठ्यक टेक्स्ट लेफ्ट मार्जिन हो गला युड़ एमती रही है पचार परवर्ती क्वेश्चन राइट डाउन द स्टेप टू स्प्लिट ए सेल इनसाइड ए टेबल इन एम एस वर्ड बोली पचार क्वेश्चन पचार एम एस वर्ड रे गोटे टेबुल भितर गोटे कक्ष को टेबुल भितर जो रही गोटे कक्ष ठीक अच्छे ताकू विभाजन करने कौन कौन पदक्षेप करने को पड़ता है ताख बोली पचार ठीक अच्छे एम एस वर्ड रे गोटे टेबुल भितर गोटे कक्ष को विभाजन करने पदक्षेप गुड़िक लेख बोली पचार तो कौन कौन करने पड़ता है गोटे टेबुल भितर प्रथम कौन करने पड़ता है
प्रथम स्प्लिट सेल ऑप्शन अच्छी स्प्लिट सेल बटन को यहाँ क्लिक करने पड़ था तापरे ये टेबुल अच्छे यहाँ ये टेबुल अच्छे तो सिलेक्ट सेल यहाँ को प्रथम कौन करेंगे ये सेल को प्रथम सिलेक्ट करेंगे गोटे गोटे बाक्स को सिलेक्ट कर सारापर एमती आसो केतोटी कलम करने चाहते नंबर ऑफ कलम केतोटी टाइप करेंगे दुईटा करने चाहते तो टू लिखे तीन टा करने चाहते तो थ्री लिखे आ नंबर ऑफ र ऊपर कलम तापर र रही है र केतोटी करने चाहते कलम केतोटी करने चाहते टाइप करेंगे ओके रे क्लिक करेंगे कौथे ओके रे क्लिक कले हो तो आपको लिखापी पड़ो राइट डाउन द स्टेप टू स्प्लिट ए सेल इन साइड ए टेबल इन एम एस वर्ड पचारे तो स्प्लिट सेल प्रथम स्प्लिट सेल क्लिक करने पड़ी था तो सिलेक्ट द सेल कौन लिख फास्ट लिख सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट तापर दुई नंबर लिख सिलेक्ट लेआउट लेआउट पर स्प्लिट सेल ऑप्शन आसो क्लिक करने पड़ी था ठीक अच्छे ताको सिलेक्ट करने पड़ी था तापर कौन करने पड़े एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स और रो दैट यू वांट टू स्प्लिट द सिलेक्ट सेल इनटू एंड देन सिलेक्ट ओके ओके रे क्लिक करने पड़ी था इसे कलम नंबर लिखापी पड़ो केतोटी कलम रखिए र केतोटी लिखे ताकि ओके रे क्लिक करदे हो जाए ठीक अच्छे परवर्ती क्वेश्चन पचार द प्रोसेसर इन ए पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड साइज इन स्मॉल डिवाइस इज ओपन कॉल एज बोली पचार गोटे पर्सनल कंप्यूटर थोड़ा प्रोसेसर किंवा स्मॉल डिवाइस गुड़िक एम्बेडेड होता आकार को कौन कहुए पचार कौन कहुए माइक्रो प्रोसेसर बोली कहुए यहाँ माइक्रो प्रोसेसर अटे ठीक अच्छे ये कौन अटे माइक्रो प्रोसेसर अटे तो जदि क्वेश्चन दिया जाए द प्रोसेसर इन ए पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड साइज इन स्मॉल डिवाइस इन ओपन कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर जो थाए गोटे पर्सनल कंप्यूटर ठीक अच्छे बहुत ही छोट आकार थाए गोटे डिवाइस ठीक अच्छे ताको आम मैंने कौन कही था कंप्यूटर भितर थाए ठीक अच्छे सीपीयू थी देख भितर पटे थाए तो से यहाँ को आम कौन कह माइक्रो प्रोसेसर बोली कही था परवर्त क्वेश्चन पचार पेन ड्राइव इटा को कौन कह पेन ड्राइव कही था पेन ड्राइव तो पेन ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस इटा ट्रू फॉल्स इटा ठीक अटे ना भूल अटे पचार पेन ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस इटा इटा तो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटे आम मैंने कंप्यूटर इटा लगे था मानने इटा एक्सटर्नल अटे ठीक अच्छे एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटे तो पेन ड्राइव इज ए स्टोरेज डिवाइस ठीक अटे मानते ट्रू करदेव ठीक अच्छे पेन ड्राइव गोटे स्टोरेज डिवाइस अटे आईटा को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह जाए कौन कह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कह जाए आईटा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटे कहीं बाहर लगे था तो पेन ड्राइव होगा सी डी एस होगा डीवीडी एस होगा युड़क एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटे ठीक अच्छे यहाँ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस अटे तापर परवर्त क्वेश्चन पचार द स्पेस और गैप बिटवीन मल्टीपल लाइन विथिन ए पाराग्राफ इज टर्म एज डैश बोली पचार तो गोटे पाराग्राफ मध्यरे मल्टीपल लाइन मध्यरे स्पेस किंबा गैप को कौन कह जाए पचार गोटे पाराग्राफ मध्यरे मल्टीपल लाइन मध्यरे स्पेस किंबा गैप को कौन कह जाए पचार कौन कह जाए लाइन स्पेसिंग बोली कह जाए ताको कौन कह जाए लाइन स्पेसिंग बोली कह जाए परवर्त क्वेश्चन पचार इन एम एस वर्ड द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इज डैश बोली पचार तो एम एस वर्ड रे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक पाई फाइल एक्सटेंशन वर्ड हेउछि डैश बोली पचार तो कौन अटे यहाँ हूँ डॉट एक्स एल एस एक्स कर कौन कर डॉट एक्स एल एस एक्स कर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बा एम एस वर्ड द फाइल एक्सटेंशन फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक इज डॉट एक्स एल एस एक्स कर परवर्त क्वेश्चन पचार व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपिंग ए टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ए डॉक्यूमेंट बोली पचार क्वेश्चन कौन पचार गोटे डॉक्यूमेंट रे गोटे स्थान अन्य स्थान को टेक्स्ट कॉपी करने शॉर्टकट की कौन बोली पचार कॉपी करने शॉर्टकट की पचार
ठीक अच्छे कॉपिंग लिखा अच्छे कॉपी करने सर्टकट की कौन रही प्रथम जो टेक्स्ट को कॉपी करने चाहते सिलेक्ट करेंगे ठीक अच्छे सिलेक्ट कर सारापर प्रेस कोटा को दबेबे सीटीआरएल प्लस सी को दबेबे तो कॉपी ही जेबो सर्टकट की ठीक अच्छे तो कॉपी करिया पई टेक्स्ट को कॉपी करिया पई सर्टकट की कौन प्रथम सिलेक्ट करेंगे जोटा कॉपी करेंगे तापर सीटीआरएल प्लस सी को दबेबे कंट्रोल प्लस सी ठीक अच्छे आउ कॉपी तो करदेवे पेस्ट करिया पई पेस्ट करिया पई सर्टकट की कौन रही जो टेक्स्ट कॉपी होई थिबो ताको पेस्ट करिया पई सर्टकट की होउची कोटा को प्रेस करिया पई पड़िबो कंट्रोल प्लस भी को प्रेस कर देले पेस्ट हो जाव कंट्रोल प्लस भी बा सीटीआरएल प्लस भी तो परवर्ती क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू क्लोज ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने चाहते तो शॉर्टकट की कौन रही शॉर्टकट की कौन रही पचारिचे गोटे डॉक्यूमेंट को क्लोज करने चाहते तार शॉर्टकट की कौन रही कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करदेव सीटीआरएल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करदे कौन हो क्लोज हो आ सीटीआरएल प्लस एस कौन पुणी सीटीआरएल प्लस एस इटा कार सर्टकट की सेव द डॉक्यूमेंट गोटे डॉक्यूमेंट को सेव करने चाहते सीटीआरएल प्लस एस प्रेस करेंगे आ सीटीआरएल प्लस एन पुणी कौन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट नुआ डॉक्यूमेंट या चाहते सीटीआरएल प्लस एन रे क्लिक करेंगे ठीक अच्छे एन माने न्यू डॉक्यूमेंट या सीटीआरएल प्लस एम कहली कौन गोटे पाराग्राफ को इंडेंट करने चाहते तेल सीटीआरएल प्लस एम को प्रेस करेंगे इंडेंट द पाराग्राफ ठीक अच्छे तो शॉर्टकट की शॉर्टकट इन एमएस वर्ड कौन कौन रही देखीद तो डॉक्यूमेंट ओपन करने शॉर्टकट की कौन रही सीटीआरएल प्लस ओ को प्रेस करदे डॉक्यूमेंट ओपन हो ठीक अच्छे क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट र शॉर्टकट की कौन रही सीटीआरएल प्लस एन सेव द डॉक्यूमेंट्स र शॉर्टकट की कौन रही एमएस वर्ड रे सीटीआरएल प्लस एस को प्रेस करेंगे तापर क्लोज द डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने चाहते तार शॉर्टकट की कौन रही सीटीआरएल प्लस डब्ल्यू को प्रेस करदे क्लोज हो कट द सिलेक्ट कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड बोली पचारि जदि जहाँ भी करट करने चाहते कट ठीक अच्छे कट करने चाहते तार शॉर्टकट की कौन रही सीटीआरएल प्लस एक्स को प्रेस करेंगे आउ कॉपी द सिलेक्ट कंटेंट टू द क्लिक बोर्ड बोली पचार कॉपी करने चाहते तो सीटीआरएल प्लस सी को प्रेस करेंगे आ पेस्ट करने चाहते तेल सीटीआरएल प्लस भी को कौन कर प्रेस करेंगे तापर सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट जो सिलेक्ट करने चाहते सब डॉक्यूमेंट को सीटीआरएल प्लस ए को प्रेस कर ठीक अच्छे तापर कौन कौन रही अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू द टेक्स्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने चाहते ठीक अच्छे कला कला अक्षर बड़ मोटा साइज करने चाहते तेल कौन करोटा को प्लेस प्रेस कर सीटीआरएल प्लस बी को प्रेस करदे बोल्ड हो टेक्स्ट गुड़ी तापर अप्लाई इटालिक फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट ये जो लिखा अच्छी ये इटालिक फॉर्मेटिंग करने चाहते मैंने टिके एमती लिखाई थमती टी लिखा टिके एमती लिखाई थोड़ा ठीक अच्छे टी टेढ़ा लिखाई थोड़ा तो एमती इटालिक फॉर्मेटिंग रे करने चाहते तो कौन कर सीटीआरएल प्लस आई रे प्रेस करदे हो ठीक अच्छे तो तापर सीटीआरएल प्लस यू इटा कहार शॉर्टकट की अटे अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने चाहते कोटा को प्रेस करने पड़ो जो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने चाहते सिलेक्ट करेंगे और सीटीआरएल प्लस यू को प्रेस करदे अंडरलाइन हो ठीक अच्छे तापर पचारि डिक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट बोली पचारि तो यहाँ कौटा को यार शॉर्टकट की कौन रही डिक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट शॉर्टकट की रही कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेस करदे कौन हो डिक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट यार शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आउ इनक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स तो मन रख बहुत ही इंपोर्टेंट अटे ये दुईटी डिक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स आ डिक्रीज द फ्रंट साइज बाय वन पॉइंट शॉर्टकट की होची कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स कंट्रोल प्लस
लुजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स तापर सेंटर द टेक्स टेस्ट को सेंटर आने चाहते कौन कर सीटीआरआर प्लस ई को प्रेस करदेव तापर एलाइन द टेक्स टू लेफ्ट लेफ्ट रे ना चाहते टेक्स्ट को ताले कौन कर सीटीआरआर प्लस एल को प्रेस कर एलाइन द टेक्स्ट द राइट राइट साइड ना चाहते टेक्स्ट को ताले कौन कर सीटीआरआर प्लस आर को प्रेस कर अंडू द प्रीवियस सेक्शन यदि प्रीवियस रे जीवा पई चाहौछंती ताले सीटीआरएल प्लस जेड को प्रेस करियो ठीक अछि आ रिड्यू करे पई चाहौछंती रिड्यू द प्रीवियस एक्शन इफ पॉसिबल ताले कोन करियो यार शॉर्टकट की होउछि सीटीआरएल प्लस वाई ठीक अछि तापर स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो विंडो को स्प्लिट करे पई चाहौछंती विभाजन करे पई चाहौछंती दुई भाग करे पई चाहौछंती डॉक्यूमेंट को ताले सीटीआरएल प्लस एएलटी प्लस एस को प्रेस करियो तापर रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट र शॉर्टकट की होची एएलटी प्लस शिफ्ट प्लस सी किंबा सीटीआरएल प्लस एएलटी प्लस एस को भी प्रेस कर देले हो जीवो रिमूव रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट ठीक अछि। तो एतकी थिला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो केमती लागिला मतामत जानिबो आ हमर सर्वप्रथम इन्फॉर्मेशन पाए पई चाहौछंती ताले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हेबो वीडियो तल पटे लिंक मिल जीवो नचे टेलीग्राम रे सर्च करिवो प्रेप लर्न वन किसी स्पेस देवा दरकार ना सो बर्तन पर ये परवर्त समय आहरी करवा कमेंट करके निहाती जानव केमती लगे कमेंट कले इंटरेस्ट लगे आहरी वीडियो या तो कमेंट करने आउ लाइक बटन को दबापी जमारू भूलना सुबर्तन पर ये थैंक यू सो मच।